वेलकम टू माई ब्लॉग। होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका होस्ट धीरेज, आज मैं आ गया हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 54 में, जहाँ पे बहुत बड़ा कैट का कार्निवल चल रहा है। और इस कैट कार्निवल में हम आज देखने वाले हैं बहुत डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ कैट्स, और उसके साथ साथ अगर एज ए पेट आपने कैट रखी हुई है तो आप अपनी कैट की देख रेख कैसे कर सकते हैं, कैट को कौन सा फूड देना चाहिए। और यहाँ पर हाँ, कैट चैंपियनशिप भी चल रही है, बहुत सारे कैट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे कैट चैंपियनशिप चल रही है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। बिना भी किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहुँच चुके हैं सन सिटी क्लब में, अभी मैं अंदर एंट्री करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कैट कार्निवल का शो है, यहाँ से एंट्री होगी आपकी और यहाँ से एंटर होके आप अंदर जाएंगे सीधा ही। तो यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे फोर व्हीलर और टू व्हीलर की पार्किंग्स भी हैं। जैसे कि टू व्हीलर पार्किंग, यहाँ पे आके आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। और यहाँ पे आप सामने देख रहे हो, ये है टिकट काउंटर। ये कैट कार्निवल जो शो शुरू हुआ है यहाँ पे गुरुग्राम में। फ्रेंड्स, अगर आप टिकट्स की बात करते हैं तो मैंने जो टिकट परचेज़ करी थी, दैट इज़ अमाउंट ऑफ 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ की आप टिकट लेके आप अंदर एंट्री कर सकते हो। तो अभी मैं एंटर करने वाला हूँ अंदर। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो। और यहाँ से आपकी एंट्री होगी अंदर। एंट्री के बाद ये स्टैंप लगेगी, उसके बाद आप अंदर एंटर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम कैट शो में एंट्री हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखो, कितने अच्छे से आप जो कैट रख सकते हो उनकी टेक केयर कैसे करनी है आपने, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन की हुई हैं। एंड बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये राइट नाउ आई एम द एंट्री, और जो यहाँ पे बेसिक्स दिए हुए हैं, बेसिक्स जो कैट को अपने ग्रूम करना है उसके बेसिक्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे, कैसे आप ब्रश करना है, उनकी स्किन की टेक केयर कैसे करनी है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कोई भी इशू है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी देखने को। ये पूरा डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे उनकी इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह जो होती हैं कैट्स को, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, आप देख सकते हो। राइट नाउ मैं द एंट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है कैट के बारे में, जो कैट्स के बारे में किस टाइप के एनिमल्स होते हैं कैट। इसमें दिखाया है जैसे 1 ईयर ऑफ कैट लाइफ इज़ इक्वल टू 15 ऑफ ह्यूमंस। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो कि इनके फैक्ट्स हैं, जो पेट है कैट उसके बारे में सारे फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से करेंगे अंदर एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैट्स का शो यहाँ पे लगा हुआ है, कितना अमेजिंग है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। Right now I am with what's your good name, ma'am? Janvi. Okay, Janvi will tell us about the cat food. Janvi, could you please tell us what exactly type of food is this? So these are treats. Okay. We have treats for all kinds of animals, dogs, cats, and small animals. Okay. Everything is natural, human-grade ingredients, of course, made in India. Okay. And what exactly is this?
सो ये ग्लूटेन फ्री रहेगा, ग्लूटेन फ्री ओके से बनाए तो ये हेल्दी रहता है, हेल्दी रहता है। ओट्स, चिकन एंड पम्पकिन, कोई बाय प्रोडक्ट्स नहीं है, नो केमिकल्स, नो प्रेजेंट। एंड ये सब चीज़ें क्या हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली इज दिस? दीज आर स्पेशलिटी, सो यू नो कुछ कभी कभी हमें भी मन करता है कुछ क्यूट सा खाने का, राइट राइट राइट। ये मिनी डोनट्स हैं, ओके, ये भी सारे, सो इट्स ऑल हेल्दी फूड फॉर कैट्स, सब हेल्दी है, इसमें कुछ भी मतलब चॉकलेट भी नहीं है इसमें, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो केमिकल्स, नो केमिकल्स, नो शुगर, नो शुगर। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ये बस सही पैकेजिंग है, हमने ग्लास जार में दिखाने के लिए रखी है कि ट्रीट सकती है। ओके, थैंक यू सो मच। सो व्हाट्स योर गुड नेम फर्स्ट? Ankit. Okay, Ankit, could you please tell us? So we have like everything for cats right now. So we have some less products here. Okay. So we have harnesses, leash collar for okay. cats. Okay. And we have grooming kits like wipes, shampoos, and everything is there. Dry bath is there. Okay. And what is this? Is this all our cat food? Yes, pet food are there. So and we have dry food also. Right now we don't have it here. Okay. We have in stores. And we have stash modes and we have travel boxes. What exactly is for this? So this is for cat stretching. Stretching. Okay. Yes. Okay. Okay. And we have some treats. Every brand is there in our store. Okay. In our store as well. Thank you, sir. हेलो सर, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर गुड नेम सर? सुभेश। सुभेश, सुभेश सर, कुड यू प्लीज़ टेल अस क्या क्या चीज़ें हैं हम यहाँ पे, जो अगर एक कैट आपने रखा है एज ए पेट तो उसके लिए क्या क्या फूड्स हैं वो आप मुझे बता सकते हैं? कैट के लिए बेसिकली हमारे पास ट्रीट्स हैं, ओके, जो विच यू लाइक वी आर द ओनली वन, ओके, लॉन्च डेंटल ट्रीट्स फॉर कैट, ओके, ये डेंटल ट्रीट्स हैं, ये हैं, हाँ ये दोनों, ओके, ट्यूना चिकन फ्लेवर, ट्यूना क्रैनबेरी फ्लेवर, क्रैनबेरी एंड चिकन फ्लेवर, राइट, ओके। तो हमारा स्पेशलाइजेशन क्या है, इसमें हम डाइजेशन कंट्रोल डालते हैं, राइट, जो हेयर बॉल कंट्रोल है, राइट, पर्शियन कैट उनको क्या है कि वो अपने आप को लीक करते हैं तो बाल उनके स्टमक में चले जाते हैं, राइट, कई बार दे वॉमिट, राइट, हेयर बॉल, राइट। सो अगर आपने कैट रखा है तो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट, हाँ, इसमें ये ऐसे ये हेयर बॉल कंट्रोल है, देन आपके इजीली डाइजेस्टिबल एंड लो कैलरीज हैं, यस, राइट। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके सारे, के लिए कॉम्बिंग का हो गया, नेल कटर हो गया, ये कैट स्पेसिफिक हार्नेस हो गया, हार्नेसेस हो गए, राइट, कैट टॉयज हैं, कैट टॉयज, देन फिर ये हमारी कैट निप टॉय आता है विद कैट निप, ये किसके लिए होता है बेसिकली? बेसिकली क्या है कि क्योंकि कैट ऑल टाइम घर पे रहते हैं, राइट, दे टेंड टू गेट अ लिटिल डिप्रेस्ड, राइट राइट राइट, तो ये उनको इज एन एंटी एंजाइटी प्रोडक्ट, ओके, कंफर्ट करता है उनको, इट्स अ हैप्पीनेस प्रोडक्ट। सो बेसिल इज योर कंपनी? बेसिल इज आवर ब्रांड, इज योर ब्रांड, ओके। So basically deals with like products and grooming products and everything. For dogs and cats. For dogs and cats. Yes. So could you please explain me all this, sir? This is a food bowl. Food bowl for cats? Yeah, okay. For dogs and cats all. Okay. The size is suitable for cats. Okay. Then फिर इसमें क्या है? This is a unique product. Right. 100% bamboo bowl. Okay. Bamboo से बना है. Bamboo से बना हुआ सारा है. Okay. Natural है, okay. Then wet wipes, इसमें okay. क्या है, ये इसे eye clean भी कर सकते हैं क्योंकि eye clean, okay. Water based है, इसमें alcohol नहीं है. Done. तो कोई भी cat को कोई sting नहीं करता है कुछ. And ये सारे आपके shampoos हो गए and ये this is a cat-specific shampoo. Cat specific shampoo. We made with coconut oil. Okay. Then we have conditioner, okay. देन भी ये लिंट रोलर है, बेसिकली क्या है कि जैसे कैट के बाल झड़ते हैं, राइट राइट, कपड़ों पे लग जाते हैं, फर्नीचर पे लग जाते हैं, तो ईजिली आप रोल कर सकते हो, इसमें सारे बाल चिपक जाते हैं, बाल चिपक जाते हैं, रिप्लेसेबल शीट है, ईजिली रिप्लेसेबल है, जब आपके जैसे बाल वगैरह इनमें तो ईजिली यू कैन रिप्लेस इट, राइट, एंड वो ये बेथिंग टॉवल है, ओके, इसमें क्या है 5 times फास्ट ड्राई करता है, कि हमने कैट को नहलाया, राइट, उसको टॉवल में रैप कर दिया, राइट, फिर ये पानी पी जाएगा, राइट, एक बार स्क्वीज करा फिर से हमने किया तो बहुत फास्ट ड्राई करता है, ओके। सो ये फूड इसके बारे में बताएं, ये डॉग के लिए, ओनली फॉर डॉग्स, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन सर, गॉट इट। सो दिस इज़ द न्यू प्रोडक्ट, एक्चुअली मैंने पहले नहीं देखा है ये प्रोडक्ट, आप इसके बारे में क्या एक्सप्लेन कीजिएगा? हाँ, दिस इज बेसिकली अ कार्ट व्हील, कार्ट व्हील, ओके, ये स्पेशली जो चैलेंज जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, फॉर द चैलेंज कैट्स एंड डॉग्स, उसके लिए कार्ट व्हील है, राइट, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन सर, हैव अ गुड डे, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अभी हम एंटर होने वाले हैं अंदर, जैसे कि ये कैट शो, जो कैट कार्निवल शो लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी कैट्स हैं और सभी लोग अपनी अपनी कैट्स लेके यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिस्प्ले करके लगाए हुए हैं और हर एक कैट को अलग से डिस्प्ले करके यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे चैम्पियनशिप है और बहुत सारी कैट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं,
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी कैट्स को लेके आए हुए हैं और आप ये देख पा रहे हैं सामने कितना अच्छा नज़ारा है। लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इंजॉय करी जा रही हैं और लोग यहाँ पे आके बहुत खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी कैट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और यहाँ चैम्पियनशिप भी चल रही है। सो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी हम आगे हैं, ये है रशियन ब्लू। रशियन ब्लू की अगर बात करूँ तो ये बेसिकली इसका ओरिजिन जो है वो रशिया से है। सो अगर इनके बिहेवियर की बात करो, ये कैट्स बहुत ही लॉयल होती हैं, अच्छी होती हैं और अपने मालिक के प्रति ये बहुत ही वफादार होती हैं। सो यहाँ पे हमें रशियन ब्लू भी देखने को मिली, ये वन ऑफ द फेमस ब्रीड है कैट्स की। सो हम अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ब्रीड्स हैं। सो अभी आगे चले तो हमें मिलती है हिमालयन कैट। हिमालयन कैट भी बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती है। तो इनका ओरिजिन अगर हम बात करते हैं तो इनका ओरिजिन है यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान एंड थाईलैंड। तो हिमालयन कैट्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं और ये एक बहुत अच्छा पेट माना गया है। और आगे बहुत सारे ब्रीड्स हमें देखने को मिले जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो देखिए कितने अच्छे ब्रीड हैं यहाँ पे। और उसके आगे जो बेस्ट ब्रीड्स माना जाता है कैट्स का, दैट इज़ द पर्शियन कैट्स। पर्शियन कैट्स बहुत ही फेमस हैं कैट्स की ब्रीड्स की अगर हम बात करें तो। पर्शियन कैट्स का जेंटल और क्वाइट नेचर इन्हें बहुत ही अच्छा बनाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनर्स बैठे हैं अपनी कैट्स के साथ, इंजॉय कर रहे हैं, लोग उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। सो यहाँ पे चैम्पियनशिप भी चल रही है और चैम्पियनशिप कैट्स की यहाँ चल रही है सामने और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं चैम्पियनशिप में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और यहाँ कुछ ऑनर से भी बात करते हैं, जिनके कैट्स, उनके ऑनर से बात करते हैं कि वो उन अपनी कैट्स का ध्यान कैसे रखते हैं और उन कैट की देखरेख करना उनके लिए कितना आसान है और इजी है। चलो चलते हैं आगे और बात करते हैं उनसे। गुड नेम सर, मेरा आपकी के बेटा। ओके सर, कौन से ब्रीड का कैट है सर ये? पर्शियन कैट। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी क्यूट पर्शियन कैट है यहाँ पे। सो एज ए सर, आप ऑनर इसका टेक केयर करना कितना आपके लिए इजी है या टफ होता है ये बताइए। इजी है बहुत। इजी, ओके, थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी सही लग रही है, कितने अच्छे से सर ने टेक केयर कर रखा है इस कैट का। सो नाम क्या है सर इसका कैट का? मेतिया। मेतिया, ओके, फ्रेंच नेम। ओके ओके, शॉर्ट में मी बोलते हैं। ओके ओके, मी वो मेरी बेटी को मानते हैं। सुनिए फर्स्ट चंद्रकांत। सो फाइनली वी मेट चंद्रकांत सर फ्रॉम मुंबई। सो अभी जो हम कैट सामने देख रहे हैं दैट इज अ पर्शियन मेल कैट और इसका सर नेम क्या बताया आपने? स्कॉच। नाम इसका स्कॉच है सर। अभी इसके बस फूड के बारे में आप बताइए, एज कम्पेयर टू अगर आप डॉग और कैट को कंपैरिजन करें तो उनके फूड के बारे में आप थोड़ा सा हमें डिस्क्राइब कीजिए सर। फूड अच्छे कंपनी का, अच्छे ब्रांड्स का लीजिए जिसमें अच्छा प्रोटीन कंटेंट हो, फाइबर कंटेंट हो। राइट, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन ऑफकोर्स लगेगा बट ऑल वेल है खाना निकलना भी तो फाइबर कंटेंट दैट मैटर्स अ लॉट। फाइबर, ओके, फाइबर साइड यार कार्निवोरस कंप्लीटली नॉन वेजिटेरियन, तो उनको आप बॉइल फिश, बॉइल चिकन दे सकते हैं विदाउट सॉल्ट एंड विदाउट शुगर। ओके, शुगर एंड सॉल्ट आर दे वर्क एज अ पॉइजन। एज क्या है सर इसकी? 7 months। एंड नेम क्या है? नेम, नेम ऑफ द कैट? कैंडी। कैंडी, ओके। बिल्लियों की सात साल कम से कम लाइफ जो है सोने में खत्म हो जाती है, इनकी 12 साल लाइफ होती है। फिर चार अगर इनका देखा जाए टाइमिंग
ये 4 साल जिंदगी अपनी जाग कर गुजारते हैं और बाकी 7 साल सोचे। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूँ इस कैट कार्निवल का। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।